नमस्कार, आज मैं आपके साथ में खट्टा मीठा करेला बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। खट्टा मीठा करेला, करेले को मैंने धो दिया। धोने के बाद में उसे गोल गोल काटा और काटते समय ये ध्यान रखा कि ये जो है इसमें पक्के बीज ना हो। इधर मैंने ऑयल लेकर के थोड़ा और गर्म करना रख दिया है। जब तक ये गर्म होगा हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानकारी ले लें। करेला धो करके उसको पोंछना चाहिए ताकि उसमें पानी न रहे। तो आप कॉटन के कपड़े से पोंछिए, पोंछने के बाद बिना छीले ही गोल गोल काट लें और ध्यान रखें कि कोई पक्का बीज न हो। अगर पक्के बीज हैं तो साथ साथ निकालते जाएं। दो प्याज मैंने ले लिए, ये प्याज जिस तरह से हम काटते हैं बारीक बारीक से मैंने काट लिए हैं, लंबा प्याज नहीं काटा है। इसमें दो चम्मच मैंने शुगर ली है। खट्टे के लिए मैंने इधर टाटरी, आधा चम्मच टाटरी को पानी में हल्का सा थोड़ा सा पानी, आधे चम्मच पानी डाल करके उसको भिगो दिया है ताकि वो मेल्ट हो जाए। तड़के के लिए मेथी दाना, सौंफ, जीरा और राई, इन चारों को लिया है। और नमक इच्छा के अनुसार, आवश्यकता अनुसार, स्वादानुसार। लाल मिर्च पाउडर, आपका टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। इसमें हम हींग भी डालते हैं, तो हींग एक पिंच हींग भी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये गर्म हो गया, इसमें धुएं की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये मैंने रिफाइंड ऑयल ही लिया है। अब इसका तापमान देखते हुए हम इसमें सारी चीज़ें एक साथ करके डाल देते हैं। साथ ही इसको हम करें चल हिलाएंगे ताकि ये ब्राउन हो जाए और अपनी आंच को सिम कर देंगे। देखिए भुन गया है। अब इसमें एक पिंच हम हींग डाल दिया और इस हींग को भी इसके अंदर इसका फ्लेवर आने देंगे। और अब इसको मध्यम आंच में, ये करेले जो हमने काटे हैं इसको ब्राउन होने तक सिकाई करेंगे। कभी इसमें हम आंच को मध्यम लेंगे और कभी हम इसके अंदर तेज करेंगे, यानी आप देखते रहें, चलाते रहें, आप इसको छोड़ करके जाएंगे नहीं। यानी आप अपनी कढ़ाई के पास से, अपनी गैस के पास से हिलेंगे नहीं। अब इसको धीमी और तेज आंच करते हुए इसको ब्राउन होने तक तलेंगे। ये करेला थोड़ा भुनने लगा है, इसको 3 से 4 मिनट तक हो गए भूनते हुए। अब इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हैं ताकि ये गल भी जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है और अभी इसको थोड़ा और हम भूनेंगे क्योंकि अभी ये गले नहीं है। जैसे ये गलने का हो जाएगा हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे, कढ़ाई को खाली कर लेंगे। और इसी कढ़ाई में अब हम प्याज डालेंगे। ये मैंने सब निकाल लिया और इसी से जो थोड़ा सा तेल बचा है उसी ही ऑयल के अंदर मैं अब ये सारे मसाले, हल्दी, मिर्च पाउडर, नमक और धनिया पाउडर भूनूंगी। और फिर इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। ये जो कटे हुए प्याज हैं, इन कटे हुए प्याज को हम इसमें डाल करके और थोड़ी देर इनको गलने तक हम इन्हें पकाएंगे। प्याज में यदि आपको ऑयल कम लग रहा है तो थोड़ा सा ऑयल आप उसमें डाल लीजिए, 1 चम्मच के करीब या जितना आप चाह रही हैं, आपको चाहिए जितना, क्योंकि कुछ लोग ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ सूखा सूखा। तो देखिए अब मैं इसको ढक करके थोड़ी देर रख दूँगी। जब ये गल जाएंगे तब हम इसके अंदर हमारे तले हुए ये करेले
इसमें मिक्स करेंगे। अब ये गल चुके हैं, इसमें अब हम हमारा ये भुना हुआ जो हमने तला था हमारा करेला, उसको मिक्स कर देंगे और अब 2 से 3 मिनट तक इसके साथ में हम दोनों को एक साथ पकाएंगे। सिम का आंच पर बिल्कुल मध्यम आंच पर 2 मिनट तक हम इसको ढक करके पकाएंगे। देखिए 2 मिनट के बाद में जब हम इनको देखते हैं दबा करके तो ये कटना शुरू हो जाता है, यानी इसका मतलब ये गल चुका है। और अब हम इसके अंदर आप अमचूर डालना चाहें अमचूर डालिए, मैं टाटरी डाल रही हूँ। ये देखिए और अब इसमें हम ये जो 2 चम्मच हमने ची शुगर ली थी शुगर डाल लीजिए, आप चाहें तो इसके अंदर गुड़ भी डाल सकती हैं। और अब इसको मेल्ट होने तक जब तक ये घुल नहीं जाती है इसके अंदर तब तक हम इसे फिर इसी तरह से मध्यम आंच पर हिलाते डुलाते इसको चलाते रहेंगे। ये 2 मिनट तक करेला मैंने चीनी डालने के बाद में किया और देखिए ये बिल्कुल अच्छा फर्स्ट क्लास तैयार हो गया। अब आप इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए, ट्राई कीजिए, आप पहले बना करके खाइए खिलाइए और देखिए कितनी स्वादिष्ट बनती है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, आप देखिए इसने तेल जो है फिर से छोड़ना शुरू कर दिया था, यानी आप थोड़ा तेल इसमें डालेंगे। ये आप खाइए औरों को खिलाइए, ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।